ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशु और आप देख रहे हैं बॉन्ड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। पैसों का पेड़ है ये शेयर, सही समय पे मिल जाए तो फिर जाने मत देना। चलिए जानते हैं कौन सा ये स्टॉक है, क्या इसके फंडामेंटल, क्या इसके टेक्निकल लेवल है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एवरेज क्वालिटी का यह स्टॉक है। एवरेज क्वालिटी बाय मैनेजमेंट रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसमें सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 20.16%, आप इसमें ईबीआईटी ग्रोथ देख लीजिए 20.27%, आप इसमें नेट डेट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए 4.51, जो कि एक थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये फाइनेंस कंपनी है इसीलिए इसमें इतना होल्डिंग रहती है। अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हाल फिलहाल ट्रेड करा है। जो भी वैल्यू 141 के नीचे होगी ये इसको वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे डालेगा। आप इसमें पी रेशियो देख लीजिए 9.35, आप इसमें इविट टू इबिट्टा रेशियो देख लीजिए 4.68, आप इसमें पी जी रेशियो देख लीजिए 0.18 है, आप इसमें आर ओ सी देख लीजिए 24.32%, आप इसमें आर ओ ई देख लीजिए 16.55% की इसमें आरओई है। चलिए अब हम इसके रिजल्ट के बारे में देखते हैं। अब हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 8.79% की एक बढ़िया सी अपसाइड हमें देखने को मिली है। आप इसमें नेट प्रॉफिट देख लीजिए जिसमें भी 0.22% की एक बढ़िया सी अपसाइड हमें देखने को मिली है। आप इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए जिसमें हमें 4.19% की एक डाउन साइड देखने को मिली है, जो कि एक बहुत बड़ी डाउन साइड देखने को मिली है। 4.19% एक बड़ी डाउन साइड होती है। अब हम इस कंपनी के एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए जिसमें 27.19% की एक बढ़िया सी अपसाइड हमें देखने को मिली है। आप इसमें नेट प्रॉफिट देख लीजिए जिसमें 77.44% की एक बढ़िया सी अपसाइड हमें देखने को मिली है। आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए जिसमें भी 6.79% की एक बढ़िया सी अपसाइड हमें देखने को मिली है। चलिए अब जानते हैं इसकी क्या है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और बाद में देखते हैं कौन सा यह स्टॉक है। अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आप इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देख लीजिए 63.89% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। आप इसमें FIS की होल्डिंग देख लीजिए जिसमें 10.47% की होल्डिंग FIS के पास है। आप इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लीजिए जिसमें 2.46% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। जो मेन थिंग है, जो प्रमोटर ने प्लेज रखे हुए शेयर है वो है नॉन, मतलब प्रमोटर ने अपने एक भी स्टॉक गिरवी नहीं रखे, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए अब जानते हैं कौन सा ये स्टॉक है। और आपको भी किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी हो या जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब तक हम बात कर रहे थे L&T फाइनेंस के बारे में। अपनी इंडस्ट्री में 14 नंबर पे आता है और ये क्या है कि लार्ज कैप स्टॉक है। और जो इसका मीन्स कि ये L&T को मीन्स के प्रेजेंट करती है, मतलब ये L&T ग्रुप से है। तो आप इसमें डिविडेंड भी देख लीजिए, हाल फिलहाल में 2019 में भी इसने डिविडेंड पे किया हुआ था। तो मेरे मतलब से एक अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या है कि इसको आप टेक्निकल भी देखना पड़ेगा। हाल फिलहाल में ये क्या है कि डाउन ट्रेंड पे, तो हम क्या है कि टेक्निकल पे भी देखेंगे। अगर टेक्निकल पे कहीं क्या हमें रिवर्सल मिल जाए अच्छे से तो हम इसको क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा के लिए इस कंपनी को हम ऐड कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं L&T फाइनेंस के चार्ट के ऊपर। तो ये चार्ट आपको लगातार डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, मतलब ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था या ऊपर से, ये कौन सी वैल्यू है 212 से ये गिरना स्टार्ट हुआ था, लगातार अभी तक ये गिर रहा है। हाल फिलहाल आज भी इसने 5% से ज़्यादा गिरावट दिखाई है। तो ये क्या है कि ये स्टॉक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या है कि अभी मार्केट भी गिर रहा है और अपनी क्या है कि थोड़ी अपनी कंपनी की भी थोड़ी ऐसी हालत है कि वो गिर रहा है। लेकिन क्या है कि इसको अगर ये सही वैल्यूएशन पे मिल जाए तो हम क्या है इसको लॉन्ग टर्म में बढ़िया सी होल्डिंग लेंगे। क्यों? क्योंकि ये L&T को बिलोंग करती है, मतलब इसका जो ग्रुप है वो L&T है, तो ये भी कंपनी उसके साथ बढ़ सकती है। तो ये जो इसकी लॉन्ग टर्म अभी सपोर्ट लाइन इसमें दो है हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो लास्ट सपोर्ट लिया था जो है 91 के करीब, वो पहला हमारा सपोर्ट होगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म, मतलब जो आगे उसने सपोर्ट लिया था इधर कहीं, वो है 81 के करीब, तो ये हमारी दूसरी सपोर्ट लाइन हो सकती है। और जो हमारी फॉलिंग क्या है कि सपोर्ट लाइन है वो इसके आसपास आती है। अगर ये फॉलिंग सपोर्ट लाइन के पास अगर मीन्स के सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है तो ये 90 और 80 के बीच में सपोर्ट ले सकता है। और जो ये दूसरी फॉलिंग जो लॉन्ग टर्म दूसरी फॉलिंग सपोर्ट लाइन है वो ये है, तो अगर ये उस पर सपोर्ट लेगा तो ये 80 के नीचे चला जाएगा। तो
आई थिंक आई होप सो कि ये इसके नीचे ना जाए, तो देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। हाल फिलहाल में अभी तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको क्या है कि अपनी वॉचेस में लगा के रखो, अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो, तो आपको क्या है कि जब ये रिवर्सल देगा तो आपको क्या है कि पता चलेगा चलो ये स्टॉक क्या है कि अच्छा है और मेरे को लेना है। और ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। आप लाइक कमेंट करेंगे तो हमें क्या है कि एक बढ़िया सी अच्छी वाली फीलिंग आएगी और हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे। सो यारो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल को आपने अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज़ हर दिन लेते आते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड बाय, जय हिंद।